हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्री टाइम लाइब्रेरी एकेडमी क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं हूं समीर और आज के डेट में मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर के अंदर बोधायन थ्योरम और पैथागोरस थ्योरम आपने नाम पहले से सुना है तो आज इसका एक और नाम नया आप जान लो, इसको बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये दोनों थ्योरम आपके क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आज हम लोग यहाँ पे प्रूव करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। और देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, जो बचा हुआ जो दो साइड है ना, हाइपोटेनस के अलावा जो बच गया दो साइड, उनके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा, उनके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना स्टूडेंट, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आपको पहले से ये पता होगा बात, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो है यानी एसी का स्क्वायर को आपको बचा हुआ दो साइड, यानी हाइपोटेनस के अलावा जो बच गया साइड, यानी ए बी बच गया और बी सी बच गया, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल लाना है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसा आपको इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम को प्रूव करते हैं। गिवन आप लिख लोगे, गिवन में राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पे एंगल बी पे जो है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा स्टूडेंट, ड्रॉ करना होगा बी से डी तक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, ए सी के ऊपर, मतलब हाइपोटेनस के ऊपर आपको बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचना होगा। जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालोगे स्टूडेंट, तो आपको दो ट्राइंगल मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है ना। मैंने इसी फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन जैसे ही आप करोगे तो आपको दो ट्राइंगल मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड। आपको करना क्या है, अब इन दोनों ट्राइंगल को बारी बारी से बड़े वाले ट्राइंगल यानी इस वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर कर देना है, सिमिलर। और सिमिलर कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या है स्टूडेंट, ए डी बी। ए डी बी जो है ये फर्स्ट ट्राइंगल है और फर्स्ट ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना है बड़े वाले ट्राइंगल के साथ। तो ए डी बी के सामने आप बड़ा वाला ट्राइंगल बना लो, बड़ा वाला ट्राइंगल बना लो एज इट इज़, जैसा कि आप ए डी बी ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो देखोगे क्या आप स्टूडेंट की ए और ए दोनों के अंदर सेम है, सेम एंगल है, डिफरेंट नहीं हुआ, सेम वही एंगल है इस फर्स्ट ट्राइंगल में और ये बड़े वाले ट्राइंगल को जो आपने ड्रॉ किया है, दोनों में एंगल ए सेम है, तो एंगल ये कॉमन हो गया, ठीक है। और डी पे जो एंगल 4 है और बी पे जो एंगल 2 है ये 90 डिग्री है, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया ए नियम से, ए रूल से। अब ए रूल से ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है तो हमें पता है जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो आपको अब कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना होगा वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आप सिमिलर कर लोगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड परपेंडिकुलर लेना होगा दोनों का, इसका भी परपेंडिकुलर और इसका भी परपेंडिकुलर रेशियो के अंदर, तो ए डी अपॉन ए बी। और दूसरा आपको हाइपोटेनस लेना होगा, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस ए बी और इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस ए सी, इन दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी और ए बी मिल करके इस ए बी का स्क्वायर बन जाएगा और ए सी और ए डी मिल करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ऐसा आ जाएगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना आप, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ से सेकेंड ट्राइंगल और फर्स्ट ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। सेकेंड ट्राइंगल जब आप ड्रॉ करोगे, बी डी सी है इसका नाम, बी डी सी, ठीक है ना, सेकेंड ट्राइंगल का नाम, उसको ए बी सी के साथ सिमिलर करना है, ठीक है ना। तो अगले स्लाइड के अंदर करेंगे ये, आइए देखिए। तो आपने यहाँ पे बी डी सी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ए बी सी सेकेंड वो बड़ा वाला ट्राइंगल। अब आप देखोगे क्या स्टूडेंट की जो सी है ना, सी दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर है, यानी कि ये कॉमन हो गया, एंगल 3 और एंगल 3 कॉमन हो गया। और आप देख सकते हो
डी के ऊपर जो सिक्स एंगल है और बी के ऊपर जो एंगल टू है ये 90 डिग्री है, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होता है बाई ए रूल से। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया स्टूडेंट, तो अब आपको पहले आपने परपेंडिकुलर लिया था रेशियो में, अब आपको बेस लेना है यानी इसका डी सी और इसका बी सी, और फिर हाइपोटेनस रखना है इसका बी सी और इसका ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल जाएगा। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन जो मिला था पहले और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करोगे तो ए बी के साथ बी सी का स्क्वायर ऐड होगा, ए बी स्क्वायर के साथ बी सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और इधर ए सी दोनों में है तो कॉमन कर लो इसको, तो इधर ए सी कॉमन हो गया मल्टीप्लाई में और ए डी और डी सी प्लस में आ गया। और आप देख सकते हो स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन से आपको फिगर मिला था उसमें ए डी और डी सी को जोड़ने पे पूरा ए सी साइड मिलेगा। इस तरह से इधर ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर का सम इक्वल आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में ये भी बताइए कि अगला मैं वीडियो लेक्चर जो बनाऊँ वो कौन से थ्योरम के ऊपर बनाऊँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय।